Rangers. بسم رب الحسین علیہ السلام من کان سواق ملک الجنۃ والناس لا ولی انا غیرک یا حضرت عباس یا مسخر و سخر لکل مخلوقات بحق قمر بنی ہاشم یا اما بی ہا ادرکنی بحق دم الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعال محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات کافی موجود ہو کوشش کرو جتنے حاضر ہو سارے صلوات شامل ہو امام زمانہ بادشاہ دی جلد آمد و سلامتی دی خاطر واجب صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تے لعنت پر محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی الواد مبین اللہ وطین والا وسیع خلیفته و وارث علمه علم الاولین والآخرین صلوات لعنت اللہ علیہ ادائه مجمعین مباد فقط قال رحمان فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پروگرام ہے دو چار گلنا سنا لوں جناب کل جتھے گزارش میں ختم کیتی ہے اج میرا دل میں اتھوں گلنوں اگن لے کے میں کل گزارش کیتی کہ 40 سال ایسا کردار پیش کیتا ہے تیرے مصطفیٰ نے کافرین اور مشرقین نے مکہ نو مجبور کر دیتا کہ انہاں دیا زبان نہ چوں نکلیا محمد تو وڈا سچائی کوئی نہیں محمد تو وڈا امین بھی کوئی نہیں کل جتھے گل ختم کیتی آئی وہ اتھے آئی کہ بار بار مصطفیٰ دے آکھن دے باوجود ہکے زد تے اڑ گئے کہ اساں اس نو منینے ہیں جڑا نظر آوے تو جو ہے میرے لے پاس اساں اس نو منیندے ہیں جڑا نظر آوے بغیر ڈٹھے خدا نو اساں تسلیم نہیں کرتے مصطفیٰ فرمائے میرے تے یقین ہے انہیں کہ بے شک ہے محمد فرمائے میں جو آکھ رہے ہیں او ہے انہاں کہ جی تساں ساڈے خداواں نوں جھوٹا آکھیا ہے اس دے باوجود تہاڈی پچھلی زندگی تہاڈا 40 سالہ کردار ویکھ کے اساں تہاڈے اک رعایت دیونا چاہنے ہیں مصطفیٰ فرمائے کیا آکھنا چاہندے ہو انہاں کہ تو جس نوں مرضی ہے من
साड़िया नू कुछ ना आख। अगर तेरा कोई होर खुदा है तो जिथे असा 360 रखे हुए तू ही अपना उत्थे नाल रख ले, पता लग सी कितने हाजिर बैठे। जिथे असा 360 रखे हुए तू ही अपना नाल रख ले। वेखे मेरे अले पासे मुस्तफा फरमाए जिन्हों मैं मंदा ना उन्हों उत्थे नहीं उन्हों इत्थे रखना पौंदा। मेहरबानी सारे बोले भाई हैदरी। फरमाया जिस अल्लाह नू मैं मनदा उसनू उत्थे नहीं रखना उसनू इत्थे रखना। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओ फला पा जाओ। उन्हें आखिर सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी मर्जी नाल मन जिसनू मने साडे खुदावन कुछ ना आख। मुस्तफा फरमाया वा अज तू तुहाडे मेरे राह वखरे वखरे, तुहाडे मेरे राह वखरे वखरे। लालच देवन वास्ते एक बड़ा त्रिखा बुढड़ा अगा नबी दे करीब हो के आदे साड़ियाँ मानता हैं तेरे कोल। मुहम्मद फरमाए वो कल भी तुहाडियां, वो अज भी तुहाडियां, वो आवण वाले कल भी तुहाडियां। अमानता तुहाडियां हैं मेरे कोल। आदे साड़ी सारी दौलत ले ले आप जिन मर्जी मन साड़िया कुछ ना आख। वो नाल अला बंदा मोढ़ा हिला के आता है अकल का इलाज कर। उसनू लालच पे देना है जिंदी बीवी दे असा सारे मकरूज हैं। बोलिया है भाई थोड़ा थोड़ा मेरे नाल गल की रखी। उस मुस्तफा नू लालच पे देना है जिंदी महकूमा का नाम मलिकतुल अरब है। उस मुहम्मद नू लालच पे देना है जिंदी जौजा दे असा मकरूज हैं। मुस्तफा फरमाया तुहाडी दौलत मैं पैर दी ठोकर मार दसा। वत वत नबी वो गल की मैं ऐसी इज्जत ते लानत करदा जिस इज्जत च मेरे रहमान दी बोलो इज्जत शामिल नहीं। पहले ओ वत मैं, पहले ओ वत मैं, वत कोई होर। और मैं पूरी जिम्मेवारी नाल गुजारिश पे करदा इन दूं दे बाद अगर किसी नूं मनना ही ना तो उहदा सही हकदार अली इब्ने अबी तालिब। रहमान पहले, मुस्तफा दूसरे नंबर ते, अली तीसरे नंबर ते। उहदा क्या अगर दौलत नाल गुजारा नहीं होंदा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमैना तुसा बड़ा तवज्जो नाल सुन रहे हो। अगर दौलत नाल गुजारा नहीं होंदा, सिर्फ दौलत नहीं चाहिदी। अबू जहल अपने सिर तो लाइए पग, हाँ अपनी दस्तार ला के इंज वधा के आदा ये सिर्फ मेरी नहीं, ये जितने आए खलोते मैं इन्हां सारयां दी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये इन्हां दे सिरां दी दस्तार है। ये दस्तार संभाल अज दे बाद साडी सरदारी कबूल कर। साडा सरदार बन जा। आप जिन मर्जी मन साडे खुदावन नू कुछ ना आख। मुहम्मद मुस्तफा दस्तार दर डिठा है, वत आसमान दर डिठा है, दस्तार दर डिठा है, वत आसमान दर वे क्या दे। लाना ते तेरी सोच ते तू वाकई जाहिलन दा प्यो है। उस मैनू कायनात दी दस्तार दिती है, तू मक्के दी पगड़ी ते खरीदना चाहना है। मेहरबानी उस मैनू कायनात दा सरदार दा रहन दा सरदार बना के भेजे। तू है मक्के दी पगड़ी ते खरीदना चाहना है मुस्तफा नू। लानत करदा मैं तुहाडियां पगां ते, लानत करदा मैं तुहाडी दौलत ते। उहदा कि अगर कुछ होर चाहिए। एक माशाला आलम दीन मेरी मजलिस च बैठा, ये एजाज भी जाकरा जो किसे किसे नू हासिल होंदा है भाई जिन्हें अलामा साहब ही बह के सुन दे। बाकी तो अल्लाह वाक ते तफाक दे आपस से बनती किसी की नहीं। तो जो है मेरे अले पास मेहरबानी है इन्हों की आला जरफी है। मुस्तफा फरमाए ना पग चाहिए ना दौलत चाहिए। मुस्तफा फरमाए उस दी तौहीद दा इकरार चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहिए। अबू जह लगा वध के आदा अगर कुछ होर चाहिए मैं वह भी देवन वास्ते तैयार हाँ। इतना अजीम जुमला आखन लगा ना दौकियां दी सरजमीन ते खलो के मुस्तफा फरमाए किश है। उस आख्या मक्के च चार दीवारी सिर्फ तुहाडे घर दी है। मक्के च
चार दीवारी सिर्फ तुहाडे घर दी है, साडे घर दी कदी कोई नहीं। जिस घर हाथ रख रिश्ता मैं अबू जहल ले देना। शाम तो पहले डोली तेरे घर चो सी, मुहम्मद जड़ी गल की जे समझ आ गई तो जन्नत बन जासी। मुस्तफा पे दिन पहले मेरे रब दा कलमा पढ़ रिश्ते बाद जो मैं लेंदा रहा सा। हाँ ए मेयारे तेरा, ए मेयारे हाथ उच्चे हैदरी पहले मेरे रब का कलमा पढ़, पहले उसकी वादानियत का इकरार कर, रिश्ते जितने आखसो मैं हाजिर। उन्हें क्या जी नहीं, मुस्तफा फरमाए पक्की गल है। उन्हें क्या वेख के मन दे दियाँ, विखा तो मन दया। नबी फरमाए मैं तुम्हें पहले भी आखिया जी गल मैं कल कर गया, जो नजर आ जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। उन्हें क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। फरमाया इसके बाद तुहाडे मेरे रस्ते जुदा जुदा। अगर मैं मुस्तफा च कोई ताकत हुई तो मैं ला इला इल्लल्लाह पढ़वा के रासा। अगर मेरे दम में दम रहा तुसी सारे पढ़ सो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें आख्या तेरे साडे रस्ते जुदा। नबी फरमाए तुहाडे ते लानत, तुहाडे झूठियां खुदावां ते लानत। जेड़ा जेड़ा मेरे रहमान दी तौहीद दा इकरार न करे सी उस ते हमेशा वास्ते लानत। यार सौखी जी गल नहीं, 40 साल इज्जत करवा के 40 साल दे बाद इतने वड्डे जालमां दी दुश्मनी मुल ली इस कहंदे वास्ते। बोलो तौहीद वास्ते। यो नुक्ता है ना जिथे पूरे मक्का दे लोग मेरे मुहम्मद के खिलाफ हो गए। मुस्तफा फरमाई तो बाद तुहाडे मेरे रस्ते जुदा जुदा। अपने अपने घर च गए, शाम वेले मीटिंग की ने एक दूए नाल मशवरा बैठे करें दिन भाई जिस साढ़े खुदावन झूठा आख्या है वो की करिए। ख्याल मेरा लिपासे नियाज़े हुसैन, जिस साढ़े खुदावन झूठा आख्या है वो की करिए। एक बंदा बोल के आता है कतल करवा दे, नाल अला बंदा वह बाजू हला के आता है होश च है जान दू कर रहा है। वह रहा कहते घर उस आखे अबू तालिब के घर, इमरान के घर। उस आख्या इमरान की तलवार के जोर तू वाकिफ है? उस आख्या हाँ। उस आख्या सजी सजी दुश्मनी हुई खलीए, किसी होर भी मारिया तो ना साडा बन मनना तो इमरान सानू कोई नहीं छोड़ना। उस आख्या कोई होर रस्ता इख्तियार करो, कोई होर तरीका बनाओ। पता क्या है एक मशवरा मैं दे सकता, बुढ़े मशवरे मूह सियाने दें दिन। हाँ ये हकीकत है। केड़ा मशवरा? उस आके अपने छोटे छोटे बच्चों के जिम्मे करो। जिस गली दी जिस नुक्कर ते मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नजर आए मुस्तफा नु पत्थर मारे, इतना तंग करें या मक्का छोड़ देवे तवज्जो, या मक्का छोड़ देवे या अपने मौकिफ तो हट जावे। अज दे बाद तौहीद दी गल न करे। साबित हो गया दौकियां दे चाकाले हक दा राह रोकना काफरां दी बड़ी पुरानी आदत बनी हुई है। सुलेमान दा नारा। पहला दिन तबलीग दीन मुस्तफा शुरू की, परेशान तो नहीं हो बैठे? पहले दिन गली उचा उचा दवा कूल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओ। ते काफरां दे बच्चियां मारे पत्थर, तवज्जो। लो लुहान तेरा मुहम्मद जनाब इमरान दे कोल आया ते अबू तालिब पूछे बेटा कहीं मारे है? फिर मैं चाचा काफरां दे बच्चियां मारे है। इत्थे जिहड़ा इमरान दा जुमला कयामत तक याद रखना चाहिए, भतरीए नूं नाल ला के काफरां दे दरवाजे ते जा के पैदा बंदे दे पुत्र बन जाओ। अमानत उस दी है जिम्मे अबू तालिब दे लगी हुई है। भलो है भाई, भलो है, भलो है। अमानत उस दी है जिम्मे मैं इमरान दे। उन्हें कहा जी क्यों है?
फरमाया मेरे बच्चे की हालत वेखो, मेरे बेटे मुहम्मद का हाल वेखो। उन्हें कहा जी के होया? नबी फरमाया तुसा ही जान दो। नबी दे चाचा फरमाया तुसा ही जान दो के होया? मैं भी जानता के होया। तुहाड़ियां बच्चियां मेरे मुहम्मद नूं पत्थर मारे, अज दे बाद दे हरकत ना होवे। उन्हें कहा जी कोशिश करसा है। मौलाना साहब दूसरे दिन मुस्तफा वत गली उन्हें वत पत्थर मारे, अबू तालिब वत उन्हां दे दरवाजे ते, तीसरे दिन मुहम्मद वत गली उन्हें वत पत्थर मारे, तो अबू तालिब त्रीए दिन जी गल उन्होंने नाल की है। एक बारी तो उन्होंने सारे दे होश उड़ गए, पता नहीं कितने हाजिर बैठे हो। उन्होंने दरवाजे ते जाते अबू तालिब पे दिन मैं त्री वेरी आया खलां ते दसण ही को जाया, कल मैं कोई नहीं आवना। जेडे हाजिर बैठे उन्होंने गल बे थोड़ा बेदार हो गए यार। कल मैं कोई नहीं आवना, कल कोई होर उसने, कल कोई होर उसने ते वत तू सासो। उन्हें आखिया जी बहु समझाया। अजकल भी कानून है किसी का बच्चा अगर किसी का नुकसान कर दे ना, जो तो गिला आवे तो वत वालदे ना दिन जी बाल है जी, बाल तो बाल आंदे तवज्जो। उन्हें आखिया जी बहु समझाया, तुसा बेहतर जानते हो बच्चे तो बच्चे होंगे। पता नहीं उन्होंने जहन केड़ी गल है जिस वजह तू मुहम्मद नूं पत्थर मार रहे। बच्चे तो बच्चे होंगे। एक बार सारा मजमा मेरे नाल बोले तो मैं गल जुमला पढ़ा। बच्चे तो सारे बोलो बच्चे तो इस वास्ते दोहराया जो गल तेरे जहन च रवे। गुजर गया दिन आ गई वो रात जिस रात पूरा मक्का सुतो है, कल्ला मुहम्मद मुस्तफा उठे है। सीधा बैतुल्ला जाके गिलाफे काबा च हथ पा के आद रबे अदखिलनी मुदखला सिदकिन वाखरिजनी मुखरज सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुहम्मद मुस्तफा जड़ी गल की थी, मैं अपनी जुबान ही तर्जमा तेरे हवाले कर आसमान दर वेख के मालिक वैर ते दुश्मनी तेरी आई, मैं अपनी गल पा लई है, मेरी ये बड़ी इज्जत कर दे। तवज्जो वैर तेरा ही ते मैं अपनी गल पा लिया, हुण मरे दिन पत्थर ते रह गया कल्ला। अद्धी रात तेरे दरवाजे ते इस वास्ते आया कोई ऐसा सुल्तान नसीरा भेज जेड़ा तेरा वैर भी अपने गल पा लवे, मेरा वैर भी अपने गल। कोई ऐसा सुल्तान नसीरा भेज जेड़ा तेरा वैर भी अपने गल पा ले, मेरा वैर भी बोलो अपने गल पा ले। नबी दी दुआ नहीं मुक्की, फौरन आवाज आई ये कल तेरे नाल उसी विख्या है भाई विख्या है। मेरे मेरे वास्ते लाऊ है, रहन दे बैज 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 सलवात पढ़ो काले मोहम्मद की अजमत। कोई मददगार भेज जेड़ा तेरा वैर भी संभाले, मेरा वैर भी। फरमाए कल तेरे नाल उसी। माले कितनी जल्दी बन भी गया, आवाज़ तौहीद आई सिर्फ बन नहीं गया पहुंच भी गया। मालिक जेड़ा भेजी हो ऐसा भेजी जेड़ा किसे मकाम ते मैं कल्ला ना छोड़े। तो आवाज कुदरत आई उस क्वालिटियां इतनी रख दी, न तेन कल्ला छोड़े सी ना मैन कल्ला छोड़े सी, न तेन कल्ला छोड़े सी ना मैन कल्ला छोड़े सी। पता नहीं कितने बंदे गल हजम हो सी ते कितने मेरे हक की दुआ कर सकते। मालिक किवे फरमाए तेन फरशा ते जरूरत हुई तेरे कोलो सी, मेरा कोई काम होया तो मेरे कोलो सी। आवाज मुहम्मद आई मालिक के आखना चाहते हो? फरमाए मेरा वादा ही तेन बिस्तर ते लोड़ हुई तेरे कोलो सी, मैं परदे च लोड़ हुई मेरे को। आली आली कदी मैंने उस दे लहजे की जरूरत पई मेरे कोलो सी, तेन शबे हिजरत बिस्तर ते जरूरत पई तेरे कोलो सी। आके सेंग है गल याद है पिछली सुबह टुरन लगे थे, अबू तालिब पूछे किधे जा रहे हो? चाचा तबलीग वास्ते। मैं दो मिनट पहले आख्या कि मुहम्मद कल्ले गए काबा दुआ मंगण, सारे याद है दुआ मंगण मुस्तफा कल्ला गया है। इमरान दे ईमान ते बकवास न कीता कर, अज टुरदे हुए मुहम्मद दा दामन नप के अबू तालिब आदा कल्ला न जा, जेड़ा राती मंग आया है उसनु ना रला के लै जा। जेड़ा राती मंगे आई आ ओनू
नाल ले जा। चाचा कौन? फरमाया तेरा भरा अली। ज्यादा तू ज्यादा जाहिरी जिंदगी मौला अली दी 10 साल। अगू मुस्तफा है, पिछू मुर्तजा है। अगू मुहम्मद है, पिछू अली है। जो दुआ करें तो एक लफ्ज आखा, जिस मुस्तफा का साया अल्लाह ना ही ना बनाया, उदा साया बन के अली नाल तुरया। कदम आया मुस्तफा दा गलीए च। हुण मैं दोबारा लफ्ज कोई नहीं आखना, तै आप पहुंचना है भाई मैं के आ दखल होता। कदम आया मुस्तफा दा गलीए च, मामूल मुताबिक नबी आखे पढ़ो ला इला इल्लल्लाह ते कामयाब हो जाओ। ओ जेड़े हिले हुए हैं पत्थर मारन दे, जेड़े हिले हुए हैं जफर भाई पत्थर मारन दे, एक घर का दरवाजा खुलिया, एक बच्चे हाथ चाया मैं मारा ते ऐन अल्लाह दी नजर पै गई। दौके आले उस पत्थर सटे आए, अली वापस सटे आए, रोंदो या घर वड़े आए। मां पूछे कै मारे, उस आखे अली मारे है। प्यो पूछे कै मारे, उस आखे अली मारे है। मैं ते इन आदराना घर काफरां दे आल ते होंदी अली अली पई है। घर काफरां दे हन होंदी किसे दी अक कोई नहीं, किसे दा नक कोई नहीं। नक तो खैर उन्हां दा आई कोई ना, जेड़े मुस्तफान वदे मरेंदे हन उन्हां दा केड़ा नक आई। किसे दा हाथ कोई नहीं, किसे दा पैर जख्मी है। जेले मां ते प्यो डिठा ना दरवाजे खोल के, तो गली तो मोड़ पे मुड़दे हन मुहम्मद, कंड पिछू अली आई ते अली पिछा मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं। बल्कि मैं तो आदर आना यकीन ना आदर आंदे उस अगे कला समझ के मरेंदे रहे हो। अज मैं अली नौला, अजे तक दोए बिरा तबलीग ते हैं। काफिर अपने अन्ने काने लूले लंगड़े बाल चाके सिद्धे अबू तालिब दे दरवाजे ते नतीजा देवन लगा, सिद्धे सरकार अबू तालिब दे दरवाजे ते आ गया। दरवाजा खटखटाया, तुहाडे वास्ते लफ्ज़ आदा सैयदुल बतहा दा कदम बाहर आया, मुरब्बी रिसालत डिठा। मैं ते लफ्ज़ आदा राना जदो इमरान वेखिया ना भी मेरे दरवाजे ते एमरजेंसी वार्ड बनया पिया। ए कोई किसी की लत कोई नहीं, किसी की बांह कोई नहीं, किसी की अख कोई नहीं, ये तो सारे जख्मी हैं, जानते हैं जो की हो। पुछे ने क्यों आए हो, क्यों आए हो? उन्हें आख्या जी तुहान गिला देवण आए। जुबान मेरी जंग दी इतनी मिठी है, मैं किसी और जुबान इस गल करना चंगा नहीं समझदा। केड़ा गिला? उस आख्या जी तुहाडे बच्चे अली साडे छोरां दे पल्ले कख नहीं छोड़िया। जनाब तुहाडे बच्चे अली ए वेखो जी, किसी की लत कोई नहीं, किसी का हाथ कोई नहीं, किसी की अख कोई नहीं, सारे जख्मी अली। फरमाया कै मारे? उन्हें जिन्होंने पिछली गल याद है, कै मारे? उन्हें आख्या जी अली मारे। त्री दफा पूछिए कै मारे है? उन्हें आख्या अली मारे है। मुतमैनो के नफ्स मुतमैना हुसैन दा दादा अबू तालिब। इंज करके चौथी दफा पे पूछदे कै मारे है? उन्हें आख्या जी तुहाडे बच्चे अली मारे है। फरमाए इन्हें लेके दफा हो जाओ, फिलहाल भिरा नल गया है तबलीग ते, जो तो वापस आंदा है समझा दे साबू तुसा बेहतर जानते हो, बच्चे तो वत बच्चे ही होंगे ना। बच्चे तो बच्चे ही होंगे, ढेर गर्मी लगी पी तो बस चक्कर। मैं इस वास्ते अपने उत्ते पखा नहीं चलन दिता। तुसां दिहाड़े घंटा डेढ़ सुनते हो तो मैं छे जागां ते पढ़ना होंदा। गर्मी नहीं, न्याज़े हुसैन जिन्ना तला माहौल है, मौसम तो बिल्कुल बेबाक होके बैठा कर मजले से हुसैन। कै मारे काफरां दे बालां नूं? बोलो अली अलैहि सलाम। जिस जिस घर दे बच्चे नू अली मारिया, उसे घर दे दिल च अली दी दुश्मनी दा पौधा लगा। करबला क्यों हुई है? वैर अली दे हन, वैर शाला बेगैरता नाल ना होवे। ऐसे बेगैरता ने ना करबला च वैर अली दे पुत्रां तो लैन, शाम च अली दियां धीआं तो। मैं सदके हो जावां, इत्राए मुहर्रम में
कलहोका करबला पहुंचे होया अकबर दा बाबा। दो मुहर्रम नू हुसैन करबला पहुंचे, मक्का छुड़ेंदे काबे नाल एक गल कीती अस, अल्लाह दा घर मैं मक्का छोड़ रहा, काबा चो आवाज आई, हुसैन क्यों? फरमाए मैं अपना काबा तामीर करे सा, मैं अपना मुअल्ला वन बने सा, इथू का माहौल मैं पसंद नहीं आया। बैतुल्लाह चो आवाज आई, ये मेरी हुरमत तो वाकिफ हो? हुसैन फरमाए वाकिफ हाँ। बैतुल्लाह की आवाज आई, जो मेरे ते खिलाफ है इसकी कितनी हुरमत है? फरमाया जड़ा तेरे ते खिलाफ है ना, वो होर कपड़ा है, जड़ा मैं अपने मुल्ला दा खिलाफ बनावना है वह होनी है मेरी बहन ज़ैनब दी चादर। मैं कम अज कम अज 200 साल पुराने रंग मसाइब पढ़ना चाहना, जो कुछ मैं अज पढ़ना चाहना सन 1780 दे विच, अज तो 221 साल पहले, 221 साल पुराना पढ़े हुआ वाकया मैं थोड़ी जोलियां तक पहुँचावना चाहना, क्यों जो त्रै मुहर्रम है अज की मुनासबत नाल ही पढ़ा। फरमाया जिहड़ा गिलाफ मैं बनावना ना वो मेरी बहन की चादर हो सी। बैतुल्लाह चो आवाज आई, लोग मेरे हजरे असवद का बोसा लेंदे, हुसैन हजरे असवद मेरे कोल। हुसैन चुप रहा है, साढ़े त्रै साल की धी बोल के आदि, जदा यारां मैं प्यो दियां जख्मी तलियां चुमसा ना, तैनू हजरे असवद दे बोसे भुल गए से, भला होवे काबा। हजरे असवद दे बोसा लैण वाले नू झिणकेंदा कोई नहीं, हजरे असवद दा बोसा लैण वाले नू मरेंदा कोई नहीं। जदा मैं प्यो दियां तलियां चुमसा ना, प्यो दा कातिल मैं मरे सी। अगर यो विदा काबे दा पढ़दा रवां मेरे ख्याल शाम हो जासी। बद्धे हुए आराम हुसैन क्यों खोले, आज नू उम्र तब्दील कीता। त्रै ग्रोह शाम दे विचु टुरे यजीद मलाउन दे आखण ते, एक ग्रोह दे जिम्मे लाया तुसा हुसैन नू मन के कतल करना, दुए ग्रोह दे जिम्मे लायस जिन्ना हुसैन नू मारना है तुसा उन्हां नू मारना, त्रीए ग्रोह दे जिम्मे लायस तुसा शोर मचावना है जो काबे च हुसैन इब्ने अली दा कतल हो गया। हुसैन इमाम हैं, हिकमत आई, सब कुछ समझ के हज नू उम्र तब्दील किया। गाजी पूछे मौला, मौला अगे नाने दा शहर छोड़िया ने, मैं चुप रहा, एक सवाल करा। हुसैन फरमाए कर। अब्बास प्यादन हुण क्यों छुड़ेंदे हो मक्का? शबीर फरमाए 400 बंदा हाजियां दे लिबास च मेरे कतल दा इरादा लेके आ गए, 400 का नाम आया पैर से हाथ रख के आता, मैं 400,000 का जामिना हज कजा ना कर। फरमाया बास अगे इसे वजह तू मैं मदीना छोड़िया, जो मैं ना मदीने च खून का कतरा डाण देना ना मक्के की हुरमत पामाल होने देवे। तुरया काफिला आले मुहम्मद दा, दो मुहर्रम जदों एक लका दक सहरा च हुसैन का काफिला पहुंचे ना, तो मीर अनीस के जुमले नो फरमेंदन 6 घोड़े हुसैन तब्दील किते। कितने हुसैन? एक सवारी तब्दील करें दिन दुई नहीं टुरदी, हुसैन दूसरी तब्दील करें दिन तीसरी नहीं टुरदी। जो 6वीं सवारी इस करबला दे मकाम ते रुकी है ते हुसैन डिठा है सज्जे खब्बे वेख के, हवा दे विचु मैं ते इन्या दराना पुत्रां दे खून की खुशबू आई है हुसैन ने, उथाई घोड़े तो लैके आ दिन। अब्बास जी आका, फरमाए मेरी मंजिल आ गई है। अब्बास वो मकाम आ गया जिथों वास्ते मैं तैयार हो टुरया। अब्बास इथाई काफला रोक दो, गाजी खैमे ला दो, खैमे लगते वध्यान दो कहते चक आले, मैं जवानों नाल गल नहीं कर रहा, जेडे चिट्टिया दाड़ियां आले बजुर्ग मेरी मजलिस च बैठे, खैमे लगते वध्यान ते सहाबियां दे खैमे हुसैन दे खैमे तो दूर हैं। सज्जाद प्यो को ला के बाबा जी आखो तो मैं तो साहबा नाल गल कर ली,
हुसैन अदन के आखना चाहना है सीधा साहबियां दे खेमे को जाके आता है, ये तो ठीक है खेमे दूर हैं, मैं सज्जाद जानता तो सर रोज कुरान की तिलावत कर दे हो, मैं सज्जाद हो के हुक्म पे देना इतना उच्चा कुरान न पढ़िया है जो तुहाडी आवाज मेरिया फुफिया के कन्ना ते अपड़े। मैं सदके थोड़ा खोली भाई इसनों इतना उच्चा कुरान की तिलावत न करे बाबा मैं बिस्मिल्लाह करा। दो चार बुजुर्ग इन मजले से धाड़ा मार के रोवन आले पता नहीं कितने गर्मी जनाई बैठे ने, इतना उच्चा कुरान न पढ़िया है जो थोड़े कुरान पढ़न की आवाज मेरिया मावा ते बहना दे कन्ना ते जावे। खेमे लग गए जिन्हों अब्बास ते सज्जाद ते अकबर चढ़ाया ही ना मदीने चो, अज उसनु हुसैन लहाया है, बहन खेमे च बैठी है, हुसैन खेमे के दरवाजे ते खलो के करबला दा मंजर पे वेदन हाय मैं सदके फरजंदे जहरा दे कंड ते हाथ आया वेखियस ते बहन आई फरमाया अली खैरे हुक्म हुसैन मेरे करीब आओ, अगे ही कदी तुसा करबला च आयो? हुसैन फरमाया हाँ जंगे सिफीन तो वापसी ते एक लाजा सा करबला च आराम कीता ही, एक लाजा सा करबला च आराम कीता ही, ते आलिया बाबा थकोया ही हसन भिरा दे जानू ते सर रख के बाबे एक लाजा निंद्र कीती आई, ते अचानक बाबा मातम करेंदा उठे आई, ते मैं पूछे बाबा क्यों मातम करेंदे हो? फरमाए मैं ख्वाब च डिठा है इसे फुरात च अब्बास दे बाजू तर दे वदे ना आए। मैं सदके भाई ना करा बाबा मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं ख्वाब च डिठा है इसे फुरात च मैं तुहाडे खून की खुशबू पई आंदी। जिंदगी दो दफा मौत मंगी है करबला दी शेर दिल खातून, एक दफा सुनते रहते हो जो यजीद दे सामने आ खलोती ते आखे उस मौत आ वेंदी तेरे नाल कलाम न करना पवेगा, ते पहली दफा करबला पहुंच के मंगी इस जले हुसैन प्यो दा ख्वाब सुनाया है ना दुआ मंग के दी हुसैन मैं मदीने मर गई हूं आ तो ठीक नहीं, हुसैन मैं भी एक गल करनी तेरे नाल। फिर मैं क्या आखना चाहनी हुसैन जदन दे करबला आए ना मैं बूं बेचैन आ शबीर मैं लगता है करबला मेरे अकबर की जवानी नू रास ना सी, शर्मा के ना रुने करो शबीर मैं लगता है फुरात दे पानी दे खून पानी दे विचों अब्बास दे खून दी महक पई आंदी है। हुसैन आ दिन दोवें गल्लां सच न, त्री गल जिहड़ी बैन कीती है गल शिया नाले अगर माँ की झोली चुमातमी है तो बेवस आए निकल सी बीबी अदी हुसैन एक होर गल है फरमाई केड़ी बीबी अदी जदन दे करबला आए हैं ना न तेज हवा है न सदके न तेज हवा है न आंधी है तो न तूफान है तो बैठी भी खेमे चा अल्लाह जाने बार बार मेरे सिर तू चादर क्यों ढलदी है। हुसैन आदा यो मौसम आ गए नी अज तू सत दयाले बाद न मैं आना ही न अब्बास फिरा होना बलो बलो मैं सदके हुसैन यो करबला है यो तेरी मकतल है। शबीर फरमाए हा इथाई तोड़ी कबर बन सन। हुसैन फरमाए हा एक कम कर ली मैं हुणे आसा क्या करना चाहते हो? शबीर आदन मैं दसे ना बाहर निकलन अब्बास सज्जाद ते अकबर नु बुलाया ने बेटा मेरे करीब आओ अब्बास तू ही मेरे करीब आ हुक्म आका। फरमाए घोड़िया ते चढ़ो ओ जिहड़ी सामने वस्ती नजर नहीं पई आंदी इस च कबीला बनी असद आबाद है, इस कबीले च एक बुढ़ड़ा असदी है जिंदा नाम याकूब है, 100 साल उसकी उम्र हो गई है। अब्बास आदे नाका इतने अरसे तू जींदा बदा है ते ठीक ठाक बदा है। हुसैन आदे उसनु पता है जो एक दिहाड़े जहरा दे पुत्र करबला आबाद करनी है इसे इंतजार च वह जींदा है, 100 तो ज्यादा उसकी औलाद है उदियां धियां उदियां दोतरियां उदे पुत्र उसके पोतरे नस्लां वध वध के 100 के करीब औलाद हो चुकी है। उसनु मन के मेरा पैगाम दो जो हुसैन इब्ने अली याद किए। त्रै घोड़े खेमे चो निकले जो असदी कबीले के बाहर पहुंचे ना तो बनी असद के छोटे छोटे बच्चे वो किसी खेड़ मसरूफ हैं उन्हें डिठे अब्बास की शक्ल सज्जाद की शक्ल अली अकबर की शक्ल मैं लफ्ज़ दराना बंदे आदि सज्जाद हाई सागी हसन अब्बास हाई सागी अली अकबर हाई सागी मोहम्मद
तेजी दे नाल बच्चे दौड़ के उसे बुढ़े याकूब को कहना दें दादा दादा असा बस्ती दे बहर डिठा है अरशा तू उतराए जान लै आए ओए मैं सदके हो जावा जेडे आए पे कर दे हो शला अपने कदी न रहो अरशा तू उतराए चान जमीन ते लै आए दादा एडिया सोहनिया शक्ल असा अज तू पहले कदी नहीं डिठिया दादा याकूब याकूब करेंदे वदन इस बस्ती याकूब तो सिर्फ तुस हो जो इन्हें दसिया न त्राए चन लह आए ऐसिया शक्ल अस नहीं डिठिया बच्चियां नाल लायस दो आसावां दी टेक ते बुढ़ड़ा असदी अब्बास अकबर ते सजाद दे घोड़े दे सामने आए पहले अब्बास नूं डिठस अदे अलीए लफ्ज वरता दा अब्बास नूं वेख के अदे अलीए अकबर नूं वेख के अदे मुहम्मद है सजाद नूं वेख के अदे हसन है अदे लगता है वह दिन आ गया है कि मैं हुसैन इब्ने अली दी ज़ियारत करनी है सजाद फरमाइंदे ने हाँ बुढ़ड़ा असदी मैं सजाद इब्ने अली हाँ सज्जाद इब्ने हुसैना या अब्बास इब्ने अली ये मेरा छोटा वीर अली अकबर इब्ने हुसैन है असा तो मेहमान बने हैं वो सामने खेमे साडन मेरे बाबे गरीब तो सदे बाबे आके कला ना आवी बनी असद दे लोगों नार रला के ले आवी जेडे करबला दे जाहिर बैठे हो पूरा कबीला बनी असद इस बुढ़े याकूब दे पिछों टुरदा टुरदा उत्थे आए जिथे हुसैन इंतजार पे करदा ही ए बुढ़ड़ा असदी कोल आ गया दे हुसैन इब्ने अली तुसी हो फरमाए जहरा दा पुत्र मैं आ क्यों बुलाया ने इत्थे क्यों रुक गए हो ते खैमे कहंदे फरमाए मेरियां बहणां दे आदे आकर नाराज न हो तो करबला बहणां दे लियावण दी जा नहीं खैमे कहंदे मेरियां बहणां दे हुक्म करो क्यों बुलाया ने इत्थे त्रै गल्लां हुसैन कीतियां ते त्रै जवाब उस बुढ़े दित्ते बड़ा अकीदे आला अकीदत मंद मोमिन आई हुसैन पहला सवाल कीता है जिहड़ी करबला दी जमीन है ये कहंदी मलकीयत है याकूब असदी आदे तेरी माँ जहरा दी जमीन तो सारी तेरी माँ जहरा दी मलकीयत फरमाए कब्जा कहंदा है आदे मैं तो नौकर हाँ मैं तो मुजेर हाँ कब्जा अली दे पुत्रां दा है पूरी कायनात ते हुसैन तीसरी गल करके आदन कीमत कितनी है आदे हुसैन कीमत उस जमीन दी होंदी है जिस फसल पैदा हो सकन अकबर दा बाबा है तो बंजर जमीन इस नूं ते पानी लाया जावे ते काली हो जाती है हुसैन दुए पासे मुंह करके आदे पानी दी नहीं इहनू मेरे अकबर दे खून दी लोड़ है पानी दी नहीं इस नूं मेरे अब्बास दे बाज़ू दी मरहबा 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 दियां अली दियां राजी होनी पानी दी नहीं इसनू मेरे पुत्रां दे खून दी जरूरत है किसे नू पता ही नहीं करबला नू आबाद किवें करना है आका तुसा करबला दी कीमत क्यों पूछी हुसैन फरमाया मैं खरीदना चाहना आका क्यों खरीदू फरमाया मैं मौला बने सा आका बंजर जमीन है नाले एक होर मिन्नत करे ना यो जाहे इतु सारे नबी रोंदे टुर गए मुंह लुका के ना बैठे करो हुसैन दे जिक्र च मैं कल भी गुजारिश की आई हाय की कर तो उच्ची की कर अशरफ वो प्यादा इतु सारे नबी रोंदे टुर गए ओ आखिरी बंदे तई साझी आए करे मैं सैयद बार बार ना खा जल्ले उस आख्या नहीं तू सारे नबी रोंदे टुर गए हुसैन आ दिन उस उन्ना नबिया चो किसी की माँ का ना जारा तो कोई ना ही ना मैं बिस्मिल्लाह मैं जहरा दा पुत्र हाँ मैं अली दा खून हाँ भलो ने यार भलो ने मैं सैयद मथे ते हथ रख के तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हाँ पौने 1400 साल बाद तू मेरी जुबानी सुन के इन प्यार होना है जिमें अखां दे सामने हो रहा है उन्हां चों किसे दी माँ दा ना जहरा तो नहीं अदे नहीं हुसैन दूसरी गल कीती है याकूब अदे हुसैन ये बड़ी सख्त जा है ये दुखां दा मरकज है ये गम्मां दे पहाड़ दा ना करबला है हुसैन इत्थे कयाम न कर हुसैन नबी रोंदे टुर गए नबी रोंदे टुर गए अकबर दे बाबे जिगर ते हाथ रख के दईयो तो फर्क है नबी कल्ले आए हैं मेरे नाल ज़ैनब जी बहण है नबी कल्ले आए हैं मेरे नाल सकीना जी धीए
नबी कले आए हैं मेरे नाल मुहम्मद दियां नूहां भी आई हैं। अदे आका बंजर जमीन की कीमत नहीं होंदी। अगर तुसा खरीदना चाहते हो मैं तुहाडे कोलों कीमत नहीं लेनी। हुसैन फरमाए मैं हुज्जत खुदा हूँ, हुज्जत किसी की एहसान मंद नहीं रही। मैं तुहाडे जिम्मे कुछ कम लावने, उन्होंने बदले मैं तुहानूं कीमत देना चाहना। अगर ये जागीर बसरे च होंदी इसकी कीमत कितनी हो गया? याकूब इस दी आदा 30,000 दीनार। हुसैन फरमाया बस 30,000 दीनार दो। अंदरों फिजा की आवाज आई, एक बारी बहन सदे आई, भला होवे। अंदरों फिजा की आवाज आई, एक बारी बहन सदे आई। आलिया क्यों बुलाया? फरमाया हुसैन कितने च खरीदू है? आलिया 30,000 दीनार। फरमाया के सोचे सी इसकी? कोई मदीने का नवाब आया है जेड़ी कीमत मैं दसी आई वो देख तुर गया। फरमाए ना साड़ियाँ बड़ियाँ खिदमत करनियाँ, साढ़े जायरीन दियाँ नौकरियाँ करनियाँ। 30,000 न दे, 30,000 तू दे, 30,000 मैं देनी हाँ। जोलियाँ फैलाओ भाई मैं एक वैंड करा। 30,000 तू दे, मामूली जी को देवे मामूली जी। 30,000 तू दे, 30,000 दीनार मैं देनी हाँ। 60,000 दीनार जागीर खरीद लै, तड़पिए जन्नत च बतूल। सैयदा दे आलिया तेरे आउंड ना करावा, या तेरे मोहम्मद ना। शर्मावे नहीं भाई, जिंदगी तो नहीं पता। सैयदा दे आउंड ना करावणी ये मोहम्मद ना करावणी। पहले बैठी आई वतनिया टेक उठी, ब्याह दे गल च माई पा के आ दिए तैनू कया के मेरे पोत्र मालिक बड़ा सदका लैके आई ना करा जड़े माधवी मोहम्मद ला हुसैन दे कहते ना करावा बीबिया दी आन मेरा पुत्रे सजाद तेरा पुत्रे एक ऐसा भी है जड़ा असा भैन फिरावा दा साझा पुत्रे सैयदा दे के आखना चाहिए दाड़ी चौंकिया दिए उन्दे ना करा अजन मैं मुर्गे अज बोले अकबर दिला करा मेरे वतन दे गैरतमंद जदारो हुसैन बहरा है 60,000 दीनार दिता हाथ बन के आधा कले जड़े काम जिम्मे लावने पहला काम है मेरे जवारा की खिदमत कर दूजा काम है जवारा दे बाजू नाप के दसना ने इत अकबर लथा जवारा दे हाथ नाप के दसना ने उते असगर नु तीर लगे उते गाजी दे बाजू कलम हुसैना दे 60,000 ते मैं जागीर मुल ले लई लेकिन मैं वापस तुहाडे ना हिबा पिया करे ना मौला केड़ी वजह सैयदा दे इन्हें नहीं दस सकदा एक मेरी कबीले जा अपनिया औरतां नु रला के लया अपनिया औरतां नु अकलियां ना मैनू ना दे नाल उन्हां दे छोटे छोटे बच्चे भी भला होवे भला होवे भला होवे मजले से कर बला तो मंजर है उन्होंने आके कलिया ना आवे उन्होंने लाल छोटे छोटे बच्चे भी आवे मौला त्रिया केड़ा काम है फरमाए पहला काम है कबरां दी निशानदेही कर दुआ काम है कबरां दी निशानदेही करन दे बाद दुआ काम है मेरे जवारा की खिदमत कर त्रिया काम है उस वेले दसे जिस वेले तुहाड़ियां औरतें आईयां तुहाड़े बच्चे भी आए अजादारों मातम करें दा कबीले जाए अपनी और चादर करो ज़ैनब इंतजार पई कर दी आवाज़ां दे बुरके पा ज़हरा दियां धीआं आईआं भला होए मैं बिस्मिल्लाह करा हज़दारों औरतां ना रला छोटे छोटे बच्चियां ना रला क्या देखे डा करीम हुसैन
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਬਣੀ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹੁਸੈਨ ਖਲੋ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਯਦਾ ਦੇ ਤ੍ਰੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਜੁਮਰਾਤ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਥਾਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ ਵਰਣਾ। ਸਯਦਾ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵਰਿਆ, ਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਜੀ مستورات کیوں بلایا نے فرمائے مرد ایک پاسے تر جاؤ، صرف عورتاں حسین دے سامنے کھلوتیاں، سیدہ دے مائیاں میں تو امام امام ہو کے ملت کرے نہ ہو سکتا ہے تواڈے مرد حکومت تے فوج تو ڈر جاوے۔ ہائے غریبی مائیاں دی ملت کر کے آ دے یاراں دی دی گے جدوں پانی بھرن دے بہانے فرات ہویا ہے، خالی برتن وی چاہیے ہویا ہے، کوشش کرے آئے اساں غریباں دی لاشاں لب چھوڑا یا پڑا بول کے دسو، چھوڑا یا کر چھوڑ دے میں بیماری پڑا ایک بار ہلکے دے ماتمی ہاتھ جاؤ جڑی تری منت حسین کی تھی قیامت تے رومی اشرف تا وی تھوڑا ہے ذکر دی عظمت دی قسم میں ہن عورتاں نو بھیج کے بچیاں نو خیمیاں دے پچھو لے گئی ہے، اماما لا کے حسین گل وچ پا کے نیمانی شکل بنا کے ہاتھ جوڑے، سیدہ دے میرے لال سچ دسیا ہے کوئی کھیڈ جان دے ہو آدر مولا ہر دی گیرے لے مٹی جھولی چھپا کے اسا مٹی دے گھر بنے لے آئے، سیدہ دے متا تواڈے بال دین ڈر جاوے حکومت جو ڈاڈھی ہے منت کرے آئے یاراں دی دی گیر اپنے گھر نہیں کھیڈنا، فرات کنارے تے لگے ہوئے آئے جھولیاں چ مٹیاں چپوے آئے، حسین آ دے تواڈی کھیڈ بن ویسی او میرے بچڑے دفن مرحبا بھلا ہوئے دیویں بھائی تھوڑا آواز دیویں تھوڑا آواز میں ایک بہن کرنا ہے استاد غلام سکندر غلام 1780 دی پیدائش کچھی دے شاعر انہاں دا لکھیا ہویا ایک بہن پڑھا جا، جدو حسین سارے نال گل کر لئیے نا بت عورتاں مرد تے بچیاں نو سامنے کھلار کے منتاں کر کے آدا ہے، خدا کرنا غریباں تے یہ ملتا لوا حسین آدھے اللہ دے لاتے غریباں تے منتا لوے آئے، سانی شیر تے جس دی آئے نہ نکلے بے شک بندہ گنڈ کر بے، اللہ دارو حسین آدھے نے جے منو تا میں تو آدھا امام امام نہ منو میں مسلمان مسلمان نہ منو میں تو آدھا مہمان جے مہمان نہ منو منت کرے نا مسافر جا کے توڑے دفن ساکو بھلا ہوئے مسافر جان کے توڑے دفن ساکو کرائے جی کرا اوے دو کیا لے آج بھی فطرت ہے کہ تھائیں کوئی مسافر مر ولے اس شہر دے بندے غسل بھی دیں دے کفن بھی دیں دے بنی اسد دے بندے ہاتھ بن کیا دین آقا جو تواڈا حکم ہویا، جس ویلے بنی اسد دے لوگاں دے چہرے تے حسین پریشانی دیکھیے سیدہ دے جے پریشان ہو اتنی لاشاں نو غسل کہے دے بنائے اتنے لوگاں نو کفن کہے پوا بنائے، میں ایک گل پیا دسے نا غسل دے بنا دی حاجت تا نہیں ہوندی شہیدہ کو روکیا تھا رات تیرے دیر لے ساکوں قبریں بہ کے بھائی بہ کے میرا مزاج ہی نہیں بہ کے نیاز حسین میں بسم اللہ کرا رات تیرے
भला होए सारे हलके दिमात्मी हाथ सीने ते या सर ते आवे अगला वैन परण तो पहले मैं मर जावा हुसैन दी गुरबत न पढ़ाओ वाद हुसैन हाथ बधे आदर मौला कोई जो पूछे इथे कौन मारे आगी है दसाई वन्यो असा क्या दा सामने रोक सैया दादा है कोई पूछे ए कौन है न दसाए हाए न परदेसी सलाम देना मारे गए वतन यसरब दसाए जा जी जुलम देना मारे गए भला होए नौकरी मुकम्मल है जे आखो ते एक मेन कर देना हिम्मत नहीं मलकाई शाम तू हिम्मत मांग के जड़ी अगली सत्र है बड़ी औखी मौत मंगण वास्ते दिला थे लेकिन मैं तेरे आए वास्ते पढ़दा जिक्र दी थोड़ा वास दे भाई जिक्र दी अजमत दी कसम है वत हुसैन याकूब हस्ती दा हाथ न पिया आए मैं सदके याकूब दा हाथ न के वदा दे इथे गंजे शहदा बनना है इत्थे गांजे शोहदा जेड़ी आखरी गल है सलाम आत्मी दा हाथ सीने ते जरूर आवे इत्थे गांजे शोहदा बनना एक तरतीब मैं कबरां दी दसना जाना असली याद है केड़ी रोक सैयदा दा उत्थे मेरा अब्बास होवे इत्थे मेरा हबीब होवे मातम करके आधा मैडे अकबर मातम मैदे अकबर ते असगर को मैदे रले आवाज आंद अकबर दा सीना चुमसा ओ मैं असगर दी गर्दन चुमसा इलाही इमाम जमाना दे जहूर इस्ताजिल फरमा सल्ले अला मुहम्मद अल्लाह।